नेक्स्ट जनसंख्या वाला जनसंख्या में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है एक तो साक्षरता, और साक्षरता में सबसे बड़ा मुद्दा है महिला साक्षरता ये वाले डिस्ट्रिक्ट, और एक है लिंगानुपात सेक्स रेशो वाला। और एक राजस्थान में एससी और एसटी वाले डेटा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं लिटरेसी रेट पर, साक्षरता पे। तो साक्षरता का मीनिंग होता है 0 से 6 ईयर इस एज ग्रुप से अधिक होना चाहिए, जिसको अक्षर ज्ञान हो, लिखना पढ़ना आता हो, उस व्यक्ति को हम साक्षर मानेंगे। जो राजस्थान में इससे अधिक जनसंख्या है उसको हम 100% माने तो उसमें साक्षर लोग कितने हैं, 66.1%। और ये 66 है, इसमें महिला और पुरुषों को अलग अलग लिया जाए कि मेल है तो मेल को 100% जो मेल है उसमें से कितने पढ़े लिखे, तो इसमें आएगा 79.2%। फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है तो 100 में से लगभग 52%, 52.1%। तो एक तो ये लिटरेसी रेट में मेल और फीमेल का डेटा अलग से पूछते हैं, तो फीमेल के डेटा में लगभग 50 के आसपास और मेल के हैं लगभग 80 के आसपास। महिलाएं लगभग कितने परसेंट पढ़ी लिखी, 52, और पुरुष हैं लगभग 79। जो कम है वो 0.1 और जो ज़्यादा है वो 0.2। ये है तो 52.1 और ये 0.2%। अब राजस्थान में साक्षरता जिन जिलों में अधिक है लगभग फीमेल लिटरेसी रेट भी उनमें अधिक है, लगभग मेल लिटरेसी रेट भी उन्हीं जिलों में अधिक है, लेकिन मेल में फर्स्ट मानते हैं झुंझुनू, बाकी जनरली अधिक मानते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में साक्षरता अधिक है। तो लिटरेसी रेट की जब भी बात होती है तो इसमें लिटरेसी रेट में आपको एक ये मैप याद होना चाहिए, ये वाला, इन जिलों में साक्षरता अधिक और इधर वाले जिलों में कम। ये कोटा वाला पॉइंट, ये जयपुर वाला पॉइंट, ये झुंझुनू वाला पॉइंट। कोटा में साक्षरता सबसे ज्यादा, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू, और नंबर फोर्थ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो सीकर, और महिलाओं में देखा जाए तो फोर्थ में गंगानगर। तो लगभग फीमेल लिटरेसी रेट भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो कंटिन्यूस ये चलेगी, फीमेल लिटरेसी रेट में फोर्थ कौन सा है, गंगानगर। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर पूछा जाए किस जिले में साक्षरता अधिक है तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, और फोर्थ में किसको लेंगे, सीकर। जिलों के अकॉर्डिंग आंसर ये है। और महिलाओं की साक्षरता है वो भी लगभग इन्हीं जिलों में अधिक, 3 तक तो नो चेंज रहेगा डेटा। फीमेल लिटरेसी रेट लगभग जहाँ मैक्सिमम लिटरेसी रेट है उन्हीं जिलों में अधिक है, फीमेल में फोर्थ, सीकर की जगह क्या लिया जाएगा, गंगानगर। लेकिन पुरुष वाले में जो आपने साक्षरता याद की है उसमें झुंझुनू को फर्स्ट ले आइए और बाकी एज इट इज है। तो मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। तो मेल लिटरेसी रेट में सिर्फ एक ये डेटा फर्स्ट में काउंट होगा, बाकी फीमेल लिटरेसी रेट लगभग ऐसी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिले याद करो, फीमेल लिटरेसी रेट याद हो जाएगी। तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जबकि फीमेल में फोर्थ में गंगानगर, मेल लिटरेसी रेट में झुंझुनू फर्स्ट, फिर कोटा, जयपुर, सीकर। और राजस्थान में मिनिमम लिटरेसी रेट है आपकी बस वाले जिले में जालौर, इसके बाद में सिरोही, फिर ट्राइबल एरिया में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये मिनिमम लिटरेसी रेट वाले जिले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और मेल लिटरेसी रेट मिनिमम देखनी हो तो आंसर आएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, मेल लिटरेसी रेट इनमें सबसे कम है। पुरुष साक्षरता सबसे कम जालौर में नहीं होके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, ये दो जिले याद कर लो, पुरुष मेल लिटरेसी रेट में काफ़ी है। जबकि फीमेल लिटरेसी रेट वाले चारों याद रखने, तो ये तो मिनिमम लिटरेसी रेट वाले जिले भी हैं, और लास्ट वाले दो अगर आप देखोगे तो ये मेल लिटरेसी रेट मिनिमम वाले हैं। तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता सबसे कम जालौर में नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, ट्राइबल एरिया में। तो थोड़ा डेटा यहाँ चेंज हो रहा है, तो एग्जामिनर यहाँ पूछ सकता है, क्योंकि आपको मिनिमम लिटरेसी रेट याद रहता है जालौर सिरोही, जबकि मेल में आंसर आता है
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग तो आंसर ही है, और मेल लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, इनके काउंटिंग पहले होगी फिर काउंटिंग होगी सिरोही और जालौर, पहले इन दो की फिर अपोजिट इन दो की, यहाँ से दो ये काउंट करना फिर यहाँ से दो ये काउंट करना, तो मेल लिटरेसी रेट इन चार में सबसे कम है। फीमेल लिटरेसी रेट को याद रखने का एक तरीका है, इंटरनेशनल बॉर्डर के चारों जिले याद रखो, इंटरनेशनल बॉर्डर इधर वाले नहीं, इधर वाले दो, जैसलमेर और बाड़मेर, इसके बाद में जहाँ लिटरेसी रेट कम रहती है वो जिले याद रखो, जालौर और सिरोही। तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालौर, फीमेल लिटरेसी रेट भी सबसे कम यहीं पर, फिर इसके बाद वाले जिले वो होने चाहिए जो इसके टच में नहीं है, तो इसके टच में दोनों हैं, तो नंबर सेकंड पे कौन होना चाहिए, जैसलमेर, फिर जो जैसलमेर के टच में नहीं है सिरोही है नंबर थर्ड, जो फिर जो सिरोही के टच में नहीं है बाड़मेर, यानी चारों जिले लिख के और फिर देखा करो कौन सा सबसे फर्स्ट आएगा, जालौर, फिर सेकंड वो होना चाहिए जो इसके टच में ना हो, जैसलमेर, मीनिंग है कि लिटरेसी रेट पे जब क्वेश्चन आते हैं तो अपने को सिर्फ दो एरिया के बारे में सोचना है, एक तो इस वाले एरिया में और एक मुख्यतः इस एरिया में, लिटरेसी रेट के आंसर आपके यहीं पे रहेंगे, मैक्सिमम वाले डेटा इस साइड में चलेंगे और मिनिमम वाले डेटाज आपके इस साइड में रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों ही। तो राजस्थान के मुख्यतः पूर्वी जिलों में साक्षरता अधिक होती है, स्टेटमेंट सही है, और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में साक्षरता कम होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर आप जो साक्षरता याद करते हो 66.1%, ये राजस्थान के रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों की है, और ग्रामीण साक्षरता आपको पता है इस एवरेज से कम मिलेगी 61.4% और अर्बन एरिया में 79.7%। तो आजकल क्या है, प्राइमरी डेटा नहीं पूछ के रूरल वाले और अर्बन वाले डेटा भी पूछते हैं डायरेक्ट, तो ये तो सामान्य सी बात है, अपना जो भी एवरेज होगा रूरल लिटरेसी रेट गाँव की साक्षरता उस एवरेज से भी कम होगी और अर्बन लिटरेसी रेट उस एवरेज से ऊपर होगी। तो ये राजस्थान की औसत साक्षरता है 61.4%, और इसके अंदर मेल लिटरेसी रेट तो इस एवरेज से मेल क्या होगी हमेशा अधिक 76.2%, और फीमेल ग्रामीण क्षेत्र की फीमेल लिटरेसी रेट अपनी 45% के आसपास जाएगी 45.8%, बाकी कोई भी डेटा अपना 50 से कम नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही डेटा है जो गांवों के अंदर महिलाएं हैं वो लगभग 45% के आसपास पढ़ी लिखी हैं, इसका मीनिंग ज़्यादा निरक्षर हैं और कम साक्षर हैं, लगभग 55 के आसपास निरक्षर हैं और 45 के आसपास साक्षर हैं, तो महिला साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र में केवल 45 के आगे डेटा एक ही रहेगा, क्योंकि 45 पॉइंट के ऊपर डेटा ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, केवल एक डेटा ही दिया जाएगा जो कि 0.8, और यहाँ मेल लिटरेसी रेट लगभग 76। तो ये मानो कि अपने गांव के अंदर, अपने गांव का एग्जांपल ले लेना कि आपके गांव में पढ़े लिखे लोग कितने हैं 61, जिसमें पुरुष लिखे पढ़े हैं 76 और महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 45, ये 0.2 और ये 0.8, जबकि आपका जो सिटी या शहर है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं 79.7%, और ये तो एवरेज है, तो तय है पुरुष इस एवरेज से ऊपर होंगे, ये तो पूरे शहरों का औसत है राजस्थान की शहरी साक्षरता है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट आपकी 80% से भी ऊपर रहेगी 87.9, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट इसको जीरो बना देना दिख जाएगा आपको 70.7। तो शहरों में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो लगभग 70%, शहरों में पुरुष साक्षरता है लगभग 87, और एवरेज जो चल रहा है वो लगभग 79.7। तो राजस्थान की साक्षरता कितनी है 66.1। राजस्थान में फीमेल और मेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल है 52.1, मेल है 79.2। तो फिर राजस्थान के अंदर ये तो मेल फीमेल जेंडर के अकॉर्डिंग हो गई, और एरिया के अकॉर्डिंग रूरल और अर्बन एरिया, तो गांव में पढ़े लिखे अपने 61, जिसमें पुरुष पढ़े लिखे 76 और महिलाएं पढ़े लिखे 45,
और अर्बन एरिया में पढ़े लिखे हैं 79.7%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट है 87.9, फीमेल है 70.9%, मेल और फीमेल सॉरी 70.7%, ये 7। सिर्फ ये डेटा याद रखना होता है फैक्ट में। इनमें सीधे क्वेश्चन ज़्यादातर ये वाले आते हैं, या तो जेंडर वाले आते हैं मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, या एरिया वाले आते हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन रेट कितनी है इनके ऊपर। और राजस्थान की कई बार तुलना क्या करवाई जाती है कि राजस्थान की औसत साक्षरता से शहरी साक्षरता अधिक है, तो ये सोचने वाली बात नहीं है, शहरी हमेशा एवरेज से ऊपर रहती है और रूरल हमेशा एवरेज से नीचे 61.4। तो ये लिटरेसी रेट वाला। लिंगानुपात के अंदर राजस्थान का जो सेक्स रेशियो वो कितना है, 928, पिछली बार था 2001 में 921, ये 2001 के डेटा है। तो पिछली बार लिंगानुपात में कितने यूनिट बढ़े थे, 7, जबकि अपना जो 0 से 6 ईयर एज है यानी जो शिशु लिंगानुपात है ये राजस्थान में 888, 2001 में ये काफी बेटर था 909, और इसमें कितने यूनिट की कमी आई, 21। तो पिछली बार अपने गंभीर विषय यह था अपना चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा था, जबकि लिंगानुपात में तो पिछली बार बढ़ोतरी हुई थी। तो एक स्टेटमेंट यह है कि लिंगानुपात में 2011 में 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई, तो स्टेटमेंट सही है, जबकि इंडिया का इस टाइम 2011 में सेक्स रेशियो 943, 943। तो भारत के लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, कम है 943 से 928, लेकिन पिछली बार से अपना बेटर है, 921 से 7 यूनिट बढ़ गया, कितना हो गया, 928। लेकिन क्वेश्चन अगर ये हो कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में बढ़ोतरी हुई, तो वहां बढ़ोतरी नहीं हुई, वहां कमी हुई थी, और यहाँ 928 है, वहां सिर्फ 8 पे ही रह गया डेटा, 8, 8 और 8, 8 से स्टार्ट और 8 पे समाप्त। अब राजस्थान में लिंगानुपात अधिक कौन से जिलों में है, तो इसमें राजस्थान के सदन वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं ज्यादा। राजस्थान में ये वाले जो जिले हैं, डूंगरपुर, फिर राजसमंद और पाली प्रतापगढ़, ये कंटिन्यूस बोलने होते हैं, पाली प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली प्रतापगढ़। डूंगरपुर राजस्थान में सबसे ऊपर है लिंगानुपात में 994। अब स्टेटमेंट आपके ये देते हैं कि राजस्थान में एकमात्र जिला पाली जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो स्टेटमेंट सही है या गलत? स्टेटमेंट गलत है। जिला ऐसा कोई भी नहीं है जो 1000 से ऊपर हो, क्योंकि जिलों में सबसे ऊपर कौन है, जिसका डेटा कौन सा है, 994। तो पाली ऊपर किस में है, तो यह कंडीशन होनी चाहिए कि रूरल सेक्स रेशियो में पाली एकमात्र जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, क्योंकि इसका डेटा 1000 है, 3, तो इसका सरप्लस डेटा है 3 ग्रामीण क्षेत्र में। बाकी लिंगानुपात में जिले ये आ गए हैं, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली एंड प्रतापगढ़, जबकि ग्रामीण में आपके ज्यादा हैं। इन जिलों में उल्टा चलना है कि राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात अधिक किसका है, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, रूरल में यहाँ से उल्टा आना होता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से पाली की ओर चलना होता है। राजस्थान के अंदर लिंगानुपात सबसे कम है इन जिलों में, ए बी सी डी वालों में, इसमें ए को हटा दीजिए और इसके जगह अपन यहाँ पर किसको ऐड करेंगे, जैसलमेर, और इसको उल्टा पढ़ना है, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, यहाँ अपने सेक्स रेशो सबसे कम है कौन से जिले में, धौलपुर, धौलपुर के बाद में नंबर सेकेंड जैसलमेर, फिर करौली और फिर भरतपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर, और सब जिलों का जो लिंगानुपात है वो लगभग 800 के डेटा पे रह जाता है, 800 के ऊपर ही रह जाता है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक डेटा वो ग्रामीण वाले हैं जो 1000 से ऊपर जाते हैं, एक तो वहां ध्यान रखना, और एक अपने जो सिटी वाला शहरी जो लिंगानुपात है वो अपने राजस्थान के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में नहीं आके किस में आता है, टोंक, टोंक का शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा है जो कि 985, तो शहरों में टोंक से ऊपर कोई नहीं है, अर्बन एरिया में, ग्रामीण एरिया में पाली से ऊपर कोई नहीं है, जबकि डिस्ट्रिक्ट वाइज डूंगरपुर से ऊपर कोई नहीं है, तो जिलों में सबसे ऊपर डूंगरपुर,
रूरल एरिया में सबसे ऊपर है पाली, और जबकि अर्बन एरिया में सबसे ऊपर है टोंक। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले सतह वाले जो डेटा है वो पूछे जाते हैं आपसे। तो सिर्फ जो मेजर डेटा है उन्हीं को गौर करना है। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग तो रहेगा डूंगरपुर, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग डूंगरपुर, रूरल के अकॉर्डिंग पाली, और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग टोंक। तो शहरों में लिंगानुपात सबसे ज्यादा टोंक का, गांव में सबसे ज्यादा पाली का, और डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा डूंगरपुर। और 1,000 से ऊपर केवल एक ही डेटा है अपना रूरल वाला, ग्रामीण क्षेत्र में पाली वाला 1,003, टोंक वाला है 985, और डूंगरपुर वाला डिस्ट्रिक्ट के तौर पर 994। तो अगर डिस्ट्रिक्ट में डूंगरपुर सबसे हाईएस्ट 994 है, तो इसका मीनिंग 1,000 से ऊपर कोई भी नहीं है। तो राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 1,000 से नीचे है, स्टेटमेंट सही है। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर डूंगरपुर है, इसका मीनिंग सभी डिस्ट्रिक्ट 1,000 से नीचे है। रूरल एरिया में पाली के अलावा सभी जिलों का लिंगानुपात 1,000 से कम है, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि सिर्फ पाली है जो 1,000 को क्रॉस कर रहा है, इसका मीनिंग बाकी सब लेस देन 1,000, 1,000 से नीचे है। शहरी क्षेत्रों में किसी भी जिले का लिंगानुपात 1,000 से अधिक नहीं है, तो यह भी सही है, क्योंकि सबसे अधिक है उसका डेटा कितना है, तो इसका मीनिंग कोई भी 1,000 से अधिक नहीं है, इसका मीनिंग सभी 1,000 से नीचे है। तो इसमें ये वाले डेटाज हैं, ये याद रखने आपको। और एक राजस्थान के अंदर लिंगानुपात सबसे कम वाले जिले जो कि अभी मैंने बात की थी, ये वाले ABCD। एक इसके अलावा अपने राजस्थान में चाइल्ड सेक्स रेशियो भी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लिंगानुपात याद है तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बिल्कुल इसके सामने ही है। जैसे लिंगानुपात अधिक अपने डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, इसके जस्ट सामने अपने चाइल्ड सेक्स रेशियो अधिक है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़ को नहीं लेना है भीलवाड़ा। तो राजस्थान में चाइल्ड सेक्स रेशियो बिल्कुल सामने वाले जिलों में ज्यादा है। तो इधर सेक्स रेशियो अधिक और इधर चाइल्ड सेक्स रेशियो अधिक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। और इसमें बांसवाड़ा का डेटा है 934 और प्रतापगढ़ का एक डेटा कम है 933। इन दो का याद रखिए, आगे नहीं पूछेंगे। 928 उदयपुर, 924। जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो कम कौन से जिलों में, ये ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है जो इन जिलों में आएगा, झुंझुनू, सीकर और करौली, तीनों डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, झुंझुनू, सीकर और करौली, क्योंकि एग्जामिनर ने तीनों तक क्वेश्चन जाके पूछा, झुंझुनू और सीकर ऑप्शन नहीं दिए कई बार, तो आंसर क्या रहेगा, करौली। लेकिन पहले आंसर आएंगे जो हरियाणा के टच में है, झुंझुनू, सीकर, फिर एक पूर्वी जिले में आएगा करौली। तो राजस्थान में चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है झुंझुनू, सीकर, करौली, और सेक्स रेशियो कम होता है ABCD, अलवर को हटा के किसको जोड़ना है, जैसलमेर, और उल्टा रीड करना है इसको, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, मिनिमम सेक्स रेशियो इन जिलों में और मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो इन जिलों में। लगभग जिले नजदीक ही हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो वाले इधर कम है और बाकी सेक्स रेशियो इधर है। तो राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो कम पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और राजस्थान के सदन वाले जिलों में मुख्यतः सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो अधिक पाया जाता है। तो राजस्थान के मिड से और सदन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सेक्स रेशियो में आगे रहेंगे, जबकि ये वाले जिले सेक्स रेशियो में पीछे रहेंगे। तो लगभग एक आइडिया लगना चाहिए सेक्स रेशियो किस एरिया में कम है राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में, अधिक किधर है। तो मिड से और सदन राजस्थान के अंदर सेक्स रेशियो अधिक है, इधर वाला सेक्स रेशियो है वो सामान्य लिंगानुपात है, और इधर जो है वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो अधिक। एक लास्ट डेटा SC और ST, याद नहीं हो रहा, बस मेन 5 या 7 मिनट और सुन लीजिए कि मेन क्या देखना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, सॉरी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें जो ट्राइब्स हैं ये जंगलों में रहने के कारण इसमें डेथ रेट ज्यादा होती है, तो इनकी काउंटिंग कम होती है 13.5%। शेड्यूल कास्ट जहां जनसंख्या अधिक होती है वहां अधिक होते हैं, इसका मीनिंग 17.5। तो एक तो इनका टोटल देख के जाना एग्जाम में, 17.8, तो एक तो इनका टोटल देख के जाना 31.3,
इसमें एग्जाम में जाके एक तो ये तय करना, दो डेटा तो याद रह जाएंगे आपके, 17.8 और 13.5। आपको ध्यान ये रखना है ट्राइब्स कौन से हैं, वो जंगलों में रहते हैं, उसमें डेथ रेट ज्यादा होती है और उनकी संख्या क्या मिलेगी कम। तो इसका मीनिंग 13.5 जो आपको याद है वो ट्राइब्स याद है, और जो शेड्यूल कास्ट है वो डेटा बड़ा रहेगा 17.8। तो या तो ये टोटल मिला के पूछा जाता है या इंडिविजुअल पूछा जाता है। शेड्यूल कास्ट वहां अधिक होते हैं जहां जनसंख्या अधिक होती है जैसे जयपुर, और ट्राइब्स वहां अधिक होती हैं जहां वन अधिक होते हैं जैसे उदयपुर। तो जनजातियां सर्वाधिक किस जिले में? उदयपुर। और कास्ट सबसे ज्यादा? जयपुर। तो शेड्यूल कास्ट के जो डेटा हैं, जब तक परसेंटेज नहीं दिया जाए तब तक आंसर रहता है जयपुर और गंगानगर, और परसेंटेज दिया जाता है तब आंसर रहता है गंगानगर और हनुमानगढ़। तो राजस्थान में शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा जयपुर गंगानगर में, परसेंटेज में गंगानगर और हनुमानगढ़ ये फर्स्ट और सेकंड रहेंगे परसेंटेज में। ट्राइब्स सबसे ज्यादा हैं अपने उदयपुर में और बांसवाड़ा में, फर्स्ट और सेकंड। और परसेंटेज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ क्लॉकवाइज चलना है। और पिछली बार क्वेश्चन इसी में से आया था कि जनजातियां सर्वाधिक प्रतिशतानुसार, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो जब परसेंटेज की बात होगी तो आपको तीनों डिस्ट्रिक्ट कौन से लेने हैं? वागड़। और वागड़ को क्लॉकवाइज लेना है, पहले बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। तो ये ट्राइब्स परसेंटेज सबसे ज्यादा, जबकि जनजातियां एज ए काउंटिंग के तौर पे सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं? उदयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला उदयपुर, सर्वाधिक जनजाति परसेंटेज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और तीनों जिले ऐसे हैं जहाँ जनजातियां कितने परसेंट हैं? 60% से भी अधिक, 60% से भी अधिक ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स सबसे कम कहाँ पर हैं? बीकानेर, नागौर, संख्या के तौर पे प्रतिशतानुसार नागौर, बीकानेर। तो ट्राइब्स मिनिमम बीकानेर, नागौर, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग नागौर, बीकानेर। जब तक परसेंटेज नहीं लिखा जाए तब तक काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही बताना होता है। तो राजस्थान में सबसे कम जनजाति के जिले में? बीकानेर, नागौर, परसेंटेज नागौर, बीकानेर। शेड्यूल कास्ट सबसे कम है डूंगरपुर, संख्या और परसेंटेज दोनों में, संख्या और परसेंटेज दोनों में। तो शेड्यूल कास्ट कम है ट्राइबल एरिया में, और शेड्यूल ट्राइब्स कम है शेड्यूल कास्ट के बीच वाले एरिया में, यानी बीकानेर और नागौर, या नागौर और बीकानेर। और शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरिया में कम, यानी डूंगरपुर, संख्या और परसेंटेज दोनों में। शेड्यूल कास्ट वाले डेटा आपको देखो थोड़े से रिवीजन करके जाना पड़ेगा, बाकी